हमारे देश में इतने त्यौहार और उत्सव होते हैं जितने शायद ही किसी देश में होते होंगे। हम जानते हैं कि त्योहारों को मनाने के पीछे एक ना एक कारण जरूर होता है और प्रत्येक कारण के पीछे छुपी होती है कोई कहानी, मान्यता या फिर तथ्य। दुर्गा पूजा व विजयादशमी से संबंधित ऐसी कुछ कहानियाँ और पद्धतियाँ हैं जो भारत के अलग अलग हिस्सों में भिन्न तरीके से प्रचलित हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस था जिसका मुख भैंसे का था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया था कि उसकी मृत्यु किसी मानव, दैत्य या देवता के हाथों ना होकर किसी स्त्री के ही हाथों हो। इसके बाद वरदान की शक्ति से उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। महिषासुर के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए देवताओं ने देवी आदिशक्ति का आह्वान किया। इस आह्वान के दौरान सभी देवताओं के शरीर से एक ऊर्जा निकली और 10 हाथों वाली एक सुंदर स्त्री यानी आदिशक्ति के अवतार देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र देवी दुर्गा को दे दिए। माँ दुर्गा ने महिषासुर के साथ पूरे 9 दिन तक युद्ध किया और अंततः 10वें दिन यानी अश्विन माह के शुक्ल पक्ष के दशमी को उसका वध कर दिया। विजय के इसी पर्व को याद करते हुए दुर्गा पूजा मनाई जाती है। रामायण के अनुसार भगवान विष्णु के 7वें अवतार और अयोध्या के राजकुमार श्री राम अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास भोग रहे थे। इसी दौरान लंकाधिपति और राक्षस राज रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। अपने भाई लक्ष्मण, सेवक हनुमान और वानर सेना की सहायता से श्री राम ने रावण व उसकी सेना का अंत किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। जिस दिन रावण की मृत्यु हुई वह भी अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी ही थी, इसलिए इसे विजयादशमी या दशहरा भी कहा जाता है। बुराई के अंत के प्रतीकात्मक रूप में इस दिन लोग रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ के पुतलों का दहन करते हैं। एक बार दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें महादेव को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया। अपने पति की इस अपमान पर सती बहुत क्रोधित हुई और यज्ञ की अग्नि में कूद गई। जब भगवान शंकर को इसका पता चला तो वे क्रोध से भर गए और सती के मृत शरीर को कंधे पर उठाकर तांडव करने लगे। उनके तांडव से पूरे जगत में हाहाकार मच गया। महादेव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। कुछ समय के बाद सती ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया और पुनः शिव की पत्नी बनी। इसके बाद भगवान विष्णु ने महादेव को प्रजापति दक्ष को क्षमा करने के लिए कहा। ऐसा माना जाता है तभी से शरद ऋतु के दौरान पार्वती अपने पिछले जन्म के माता पिता से मिलने आती हैं। इसे दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है और 10वें दिन देवी की प्रतिमा को पानी में विसर्जित करके उन्हें घर के लिए प्रस्थान करवाया जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार पांडवों को चौपड़ के खेल में हराने और उनका सब कुछ छीन लेने के बाद उनके चचेरे भाई दुर्योधन ने उन्हें 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास भोगने के लिए भेज दिया था। 12 वर्ष वनवास के बाद अज्ञातवास से पहले पांडवों ने मत्स्य देश की सीमा के पास एक शमी के वृक्ष में अपने सभी अस्त्र शस्त्र छुपा दिए। इसके बाद पांचों पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी ने रूप और नाम बदलकर मत्स्य देश में शरण ले ली। इस समय दुर्योधन चाहता था कि उसे पांडवों के अज्ञातवास का पता चल जाए और ऐसा होने पर पहले से निश्चित वचन के अनुसार उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़े। इसलिए जगह जगह अपने दूत भेजकर वह पता लगाने लगा कि पांडव कहाँ छुपे हुए हैं। इस बात का अंदेशा होने पर कि वे मत्स्य देश में हो सकते हैं, दुर्योधन ने अपने पिता और राजा धृतराष्ट्र को समझा बुझाकर मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया। मत्स्य नरेश विराट ने अपने पुत्र उत्तर को कौरव सेना से लड़ने के लिए भेजा। अर्जुन, जो नर्तकी का रूप लेकर राजा विराट के यहाँ सेवा करता था, वह राजकुमार उत्तर का सारथी बना और रथ को शमी वृक्ष के पास ले गया। यह विजयादशमी का दिन था और अज्ञातवास का भी अंतिम दिवस था, इसलिए अर्जुन ने वृक्ष से अपने सभी अस्त्र शस्त्र निकाले और पूरी कौरव सेना को अकेले ही पराजित कर दिया। एक कहानी के अनुसार ऋषि वरतंतु का एक शिष्य था कौत्स। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद कौत्स ने ऋषि से गुरु दक्षिणा मांगने को कहा। ऋषि वरतंतु ने
उसे यह कहते हुए मना कर दिया कि विद्या देने के बदले में वह कुछ भी लेना नहीं चाहते। तथापि कौत्स ने बार बार अनुनय करने पर ऋषि ने कहा कि यदि तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो और इतना आग्रह कर रहे हो तो 14 विद्याएं मैंने तुम्हें सिखाई हैं, उसमें प्रत्येक के लिए 1 करोड़ अर्थात कुल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मुझे दे दो। ऋषि के ऐसा कहने पर ब्राह्मण पुत्र कौत्स अयोध्या के राजा रघु के पास पहुंचा। राजा रघु, जो प्रभु श्री राम के पूर्वज थे, अपनी दान वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि उस समय रघु अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर चुके थे। ऐसे में रघु ने देवराज इंद्र से सहायता मांगी। इंद्र ने तत्काल धन के देवता कुबेर को स्वर्ण मुद्राएं बनाने का आदेश दिया और रघु के राज्य अयोध्या में शमी और आपाति के पेड़ों पर इन स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर दी। राजा रघु ने सारी मुद्राएं कौत्स को दे दी। कौत्स ने वरतंतु को गुरु दक्षिणा के रूप में मुद्राएं दी, किंतु ऋषि ने उनमें से केवल 14 स्वर्ण मुद्राएं रखी। कौत्स को धन में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए वह बची हुई मुद्राएं लेकर पुनः राजा रघु के पास गया, लेकिन एक बार दिया हुआ दान लेने से रघु ने मना कर दिया। अंततः कौत्स ने अश्विन शुक्ल दशमी के दिन सारी मुद्राएं अयोध्या वासियों को दान कर दी। जिस प्रकार कौत्स ने विजयादशमी के दिन स्वर्ण मुद्राएं बांटी थी, वैसे ही लोग एक दूसरे को स्वर्ण अथवा सोना देते हैं। व्यावहारिक रूप से आज के समय में सोना देना संभव नहीं है, इसलिए जिस पेड़ पर कुबेर ने स्वर्ण मुद्राएं गिराई थी, उस अपाति की पत्तियों को लोग सोने के रूप में एक दूसरे को प्रदान करते हैं। इसे कठमूली, सोना पत्ती या आपटा की पत्तियां भी कहते हैं। माना जाता है कि महिषासुर का वध करने के बाद देवी दुर्गा के अस्त्र शस्त्रों को पूजा के लिए रखा गया था, इसलिए विजयादशमी के दिन शस्त्र या आयुध पूजा की जाती है। लोग इसे रावण वध और अर्जुन द्वारा कौरवों को हराने से भी जोड़ते हैं। चूंकि अर्जुन ने 1 वर्ष तक अपने शस्त्रों को शमी के वृक्ष में छुपा कर रखा था, इसलिए कई स्थानों पर शमी के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। आधुनिक युग में लोगों के शस्त्रों के तात्पर्य उनके उपकरणों से होता है, अतः लोग खेती में काम आने वाले औजार, ट्रैक्टर, व्यवसाय से संबंधित चीज़ें, गाड़ियाँ, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि का पूजन करते हैं। जो लोग ज्ञान और विद्या को अपना अस्त्र शस्त्र मानते हैं, उनके घरों में इस दिन किताबों की भी पूजा की जाती है। हमारी सांस्कृतिक विरासत को संभालना और सही दिशा में ले जाना हम सबका कर्तव्य है। इन कहानियों के माध्यम से शायद हर पीढ़ी इन त्योहारों को अपने जीवन से जोड़ पाए और अधर्म पर धर्म का विजय पताका लहरा पाए। इसी आशा के साथ शुभ नवरात्रि, शुभ विजयादशमी।